हेलो गाइस, वेलकम टू माय फुल व्लॉग ऑफ बर्थडे। सो इट्स 21 मार्च। टाना टाना टाना। अब सिर्फ आज का दिन और कल का दिन, परसों मेरा बर्थडे है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और थैंक्स गॉड को कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी लाइफ दी है, इतनी प्यारी फैमिली दी है। और मैं इतनी खुश रहती हूँ अपने बर्थडे पे। मैं जनवरी से खुश रहती हूँ, जनवरी मैंने इंतजार किया, फरवरी मैंने इंतजार किया और मार्च में आज मेरा बर्थडे आने वाला है। सो बर्थडे के दिन तो मेरी ऑफिस मीटिंग है। मेरे जो प्लान्स थे कि मैं घूमने जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा और मैं लीव भी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत काम है। मुझे लग रहा था कि मैं ब्लॉग शेयर करूंगी कि मैंने आज ये किया, वो किया बर्थडे के दिन, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल है। पर शाम की पार्टी में आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं खुश रहती हूँ बर्थडे में। एवरीवन, फिर से मैं आ गई। तो आज है 21 और अभी बज रहा है 21 मार्च और अभी बज रहा है 3 और मेरा पार्सल आ गया जियो से। तो एज यू ऑल नो कि एक पार्सल भी का जिन्होंने मेरी बर्थडे ड्रेस के लिए मंगाया था वो बहुत पहले आ चुका था और बट हमको लग रहा था कि मेरे बर्थडे तक ये नहीं आएगा, बट फाइनली आ गया एंड आई एम रियली एक्साइटेड। वाह, मैंने बिल्कुल प्लेन कलर मंगाया क्योंकि मैंने जो ड्रेसअप सोचा है इस बर्थडे पे, ये वॉर्म तो मुझे पहनना ही पड़ेगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन है। आप देख सकते हो अभी मुझे कितना ठंड लग रहा है। तो सो ये बना है आपका नेचुरल ऑर्गेनिक कॉटन। दिस गारमेंट इज मेड फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक कॉटन और इसके स्लीव्स भी बहुत लॉन्ग हैं और अच्छा लगेगा ये पहन के। इतने का नहीं है, डिस्काउंट रेट पर पड़ा होगा ये, पर इन्हें बहुत अच्छा मंगाया है, क्वालिटी इसकी 10/10 है। मुझसे रहा नहीं गया और आउटफिट 21 मार्च को ही ट्राई कर लिया, वो भी पूरा का पूरा। मिलता है 23 मार्च को। काश कोई केक 21 मार्च को भी दे देता तो मैं आज भी काट लेती क्योंकि ड्रेस तो नहीं पहन ली है तो केक भी तो मैं काट ही सकती हूँ। तो 22 मार्च की सुबह भी हो चुकी है और बहुत ठंडा है बाहर। बर्थडे में पता नहीं क्या ही होगा। और मेरा पार्सल आ चुका है फ्लिपकार्ट से, टेप तो मुझसे खुलते ही नहीं है, जोर लगा के हमेशा ओपन हो गया। और मॉइस्चराइज़र है, लगता है मॉइस्चराइज़र लगाती नहीं, खाती हूँ मैं इतने ऑर्डर करती हूँ। फॉक्सटेल का मॉइस्चराइज़र है ये और मैंने ये फ्लैट सैंडल्स ऑर्डर करी फ्लिपकार्ट से जिसकी क्वालिटी बहुत प्यारी थी। थोड़ा चल भी लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये लो आपकी फोटो बता ली। टेना, शी इज माय सिस्टर जिसकी पैंट फटी हुई है, शी इज सो वेरी। और हमारा अम्मी भैया। सो गाइस, आज है 23 मार्च एंड इट्स माय बर्थडे और मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये डेकोरेशन कर रहे हैं मेरे लिए मेरे आज जितने भी ब्रदर वगैरह आए हैं, ये 7-8-9 हैं, किसी की कॉल भी आ रही है। सो एज यू ऑल नो कि मैंने पहले ही दिखा दी थी अपने ड्रेस पहन के। सो ये देख रहे ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हैं, एवर यूथ से स्टाइलिश से, और ये भी वहीं से। सो आई एम लुकिंग ओके। तो मेरे घर पे गेस्ट आ चुके हैं, मेरे सारे ब्रदर्स आ चुके हैं और इस तरह से इन्होंने कुछ डेकोरेशन किया है पीछे। और खाना बना रहे हैं, जिनको नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज बना रहे हैं, जिनको वेज खाना है वो वेज खा रहे हैं। अभी जिसने मेरा फोन पकड़ा है, मेरा चहिता भाई अनुराग जी, वो मेरा अभी तक बूमरैंग वगैरह बना रहे थे, शॉर्ट्स वीडियो बना रहे थे, ऐसा करना। तो काफ़ी सपोर्टिंग है भैया लोग। इस बार मैं सारा बर्थडे अपने ब्रदर्स के साथ बना रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ और घर पर बहुत नौटंकी कर रही है ना भाई, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आज अभी बिल्कुल प्रिंसेस हूँ क्योंकि हम पैदा ही भाई लोग फेंकते बहुत हैं और जब कहते हैं भाई हेल्प, भाई लोग समझ आते हैं ना समटाइम्स भाई। अमित ना स्पेनिश भी आती है अबे यार, स्पेनिश नहीं बोल जैसे तुमने पहले से बोला था। ठीक है,
मैं अपने भाई से इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूं। आओ भाई जल्दी आओ, बहुत प्यारा भाई, मेरी जान, मेरा भाई, बोल भाई। हाय, आई एम अनुराग एंड हर कजन। और इसको लड़की की तलाश। जी यार तुझसे हो ही नहीं पा रहा है अब। इधर ला, पहले इधर आ, इधर फोन छोड़, एक बार फोन छोड़ के। फोन कर रहा हूं मैं, छोड़ दे, कैसे लगा दूंगी, छोड़ दे। तो इसको एक गर्लफ्रेंड चाहिए, कुछ नहीं, जिसको मिल नहीं पा रही है। ये सोचता है कि दीदी की कोई दोस्तें होंगी, पर इसको कैसे बताऊंगी, सबकी शादी हो चुकी है। आज भाई मेरे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कुछ सॉन्ग तो गा, मेरा बर्थडे आजा, आजा भाई। Hello. वो चांद है पीछा, इसको ये नहीं है चांद, रखना थोड़ी। I'm just like a moon. ये चांद है, आजा। Hello, I'm Anurag. ये अभी बोला था भाई, कुछ और बोल। आजा यार, दिमाग को दिमाग खराब। तू ये बोल, तू पहले जो बना रहा है वो बना। तू ये भी तो बोल सकता है, मैं दिम्बू दी के इसमें बहुत बार आ चुका हूं, कुछ तो बोल। तू पहले से हटा। नहीं, ये तो चलेगा। तो मैं चांद और ये चांद। देखो कुछ और वो टेक नहीं मिलेगा। I'm the supreme moon. अब मैं दूसरे लोगों से मिलाती हूं इसका पूरा। चल। कैमरा रख दे। हाय एवरीवन। तो मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूं। जिसको स्पेनिश भी आती है, एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। और मतलब वो अपनी बहनों की, अपनी मदर की, अपनी ताई की इतनी केयर करता है। मैंने इतना केयरिंग बंदा आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। डोंट क्राई, डोंट क्राई। मतलब वो हमें बहुत प्यार से रखता है, ऐसे इन पलकों की तरह, इन पलकों में ना ऐसे बिठा के रखता है। सो मैं उससे मिलाना चाहती हूँ। आ जाओ भाई। हेलो मियां मानुराग, मुझे कुछ तो। मेरा नाम अनुराग है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये बहुत टैलेंटेड है, मतलब जो भारत के लोगों को नहीं आता हूँ। इसकी यहाँ कोई जगह नहीं, इसका देर से गाना करो। नहीं भाई, दिल से आपका थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रिंकू दीदी बोल रही है। हैप्पी बर्थडे दीपिका जी, दी दीदी जी। सो ये था मेरा लिटिल ब्रदर अनुराग, और मेरे सारे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, सूप पीने से लेकर मोमोज खाने तक। बस हम लोग यही करते हैं। नहीं, आज मैं खाना चाहती हूं। रूम पे आ चुकी हूं जहां पे लूडो का गेम चल रहा है, साथ में लड़ाई भी हो रही है। सबके मुंह ऐसे बन चुके हैं कि पूछो ही मत। 6 बल्स, एक टोकन कटने में ही जान जा रही है। एक इंसान हंसमुख है, और मम्मी, मम्मी मेरी लूडो प्लेयर है। मम्मी क्या हुआ गेम में? वो पतिदेव को भी पकड़ लेता आ रही है इस हिसाब से। और अपने ग्रुप यहां पर खाना जैसे मेरी एक दीदी से। हेलो, सो शी इज माय सिस्टर, जिसने आज बहुत काम किया है। और क्या बना रहे दीदी आप? चिकन बना, चिकन एंड पनीर एंड वजन हो तो एंड ये वही है मेरा पागल सा ब्रदर स्पेनिश स्पेनिश। अरे स्पेनिश बोला, इसको वहाँ पे आया ही नहीं, वो नहीं आया, फ्रेंच नहीं आई। सो अभी तो खाना वाना हो रहा है, लूडो वाले इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनके बीच खुद ही मतभेद चल रहे हैं, लड़ मर रहे हैं। थोड़ी देर में डांस होगा तो मैं आपको बता दूंगी। गाइस मेरा दोस्त आ गया। के 10 बजे और केक कटिंग हो चुकी है, तो यह है पांडे जी। हेलो भाई, आ जा। ये है उनका भाई, वही अनुराग। ये है हाँ फौजी, और ये है चिलमन। मैं कौन? मेरा तो इंट्रो दिया नहीं तुमने। चिलमन चिलमन मैं हूँ। अब खाना खाएंगे और इन सब लोग की अपनी कपड़े चल रही है, क्योंकि इनको 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 बहुत टैनिंग हो चुकी है, और इनके नवंबर में शादी, और इनको टैनिंग हो चुकी है बहुत सारी, तो इनको उपाय बताया जा रहा है। दाने भी हो चुके हैं, दाने भी हो चुके हैं, तो क्या क्या करना चाहिए? और ये है एक बेचारा किस्मत का मारा, और ये है अध्यापक जी जो सांप वाला गेम खेल रहे हैं, सांप वाला। और ये है अमित, खाना बना रहा है, कुछ भी हो ये अच्छा लग रहा है।